हर घर में फूल गोभी की सब्जी तो बनती ही होगी, लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका है इसे बनाने का। आज हम ऐसे ही मजेदार सी सब्जी बनाएंगे फूल गोभी की, जिसे खाकर सब खुश हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जीनत इन द किचन में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए बनाते हैं फूल गोभी की सब्जी। इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएंगे तो 2 चपातियां एक्स्ट्रा खा जाएंगे, इतनी मजे की बनती है। तो सबसे पहले हम फूल गोभी को साफ करके इस साइज के टुकड़ों में कट कर लेंगे और पानी गर्म करके उसमें डालेंगे। बस 2-4 मिनट के लिए इसे नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लेते हैं। बस 2 से 3 चुटकी जितनी हल्दी और 1 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी इसे नहीं पकाना है, बाद में हम मसाले के साथ इसे पकाएंगे। बस 2-3 मिनट के लिए इसे उबालकर छन्नी में छानकर रख लेंगे। तो अब कढ़ाई गर्म करते हैं और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, जीरा जब हल्का सा गर्म हो जाए, 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके डाल लेते हैं। अगर 1 प्याज डाल रहे हैं तो थोड़ी बड़ी साइज की ही डालिएगा कट करके, तो प्याज का कलर चेंज होने तक इसे हम पका लेंगे। प्याज का जब कलर चेंज हो जाए इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे 1 बड़े साइज का। आप चाहे तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह मैंने बारीक कट करके डाला है। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह नरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर बहुत सारे वेज और नॉन वेज की रेसिपीज, डेजर्ट के रेसिपीज भी अपलोड की हुई है, उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लें, आप सबको बहुत पसंद आएंगी। तो इस सब्जी में डालने के लिए मैंने तुअर की दाल को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखा था। तो ये देखिए, 4 से 5 टेबलस्पून जितनी दाल पानी में भिगो कर रखी थी, अच्छी तरह भीग चुकी है। अब इसे पानी से अलग करके कढ़ाई में डाल लेते हैं। तो प्याज और टमाटर के साथ ही इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इस सब्जी में दाल को डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालकर बनाकर देखिएगा। अब देखिए, दाल भी अब अच्छे से इसमें फ्राई हो चुकी है। तुअर दाल की जगह आप मसूर की दाल को भी डाल सकते हैं भिगोकर। अब इसमें सूखे मसाले डालते हैं, 1/2 छोटे चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर डालते हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच और 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसी के साथ नमक। तो फूल गोभी को उबालते समय भी नमक को डाला था, तो नमक थोड़ा सा देखकर डालेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मसाले भी 2 मिनट के लिए भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ये फूल गोभी का पत्ता, इसे भी बारीक कट करके डालते हैं। इसे सब्जी में जरूर डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी सब्जी। तो इसे मैंने पहले से धोकर अच्छी तरह काट कर रखा था। एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह मसाले के साथ। बस 2-3 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे मसाले में। अब फूल गोभी को डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, ये सच में बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो अब अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। अब इसे ढककर अच्छी तरह फूल गोभी को पकने तक पकाएंगे गैस की मीडियम फ्लेम पर। इसमें बहुत ज़्यादा पानी अब नहीं डालेंगे, बस 1 छोटा ग्लास जितना पानी डालकर गैस की मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। अब कुछ मिनटों के बाद देखिए, चेक करते हैं, पानी अच्छी तरह अब सूख चुका है। बस हल्का सा इसमें पानी है और ये ठंडा होने के बाद इसमें अच्छी तरह मसाला बन जाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर सर्व करते हैं।
आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।